बच्चे को पीलिया हो जाए तो क्या खाने को दें, क्या खाने को ना दें, क्या करें क्या ना करें। देखिए इसको विहान को पीलिया है, 5.5 साल के अभियान कितना ज़्यादा पीलिया, आँखें बिल्कुल येलोइश हो रही हैं। और इसी अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो बिलरूबिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और SGOT SGPT भी काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंटीजन निगेटिव है। ये खुशी की बात है कि इसको काला पीलिया नहीं है, सिंपल पीलिया है, तो लेकिन परहेज के साथ ही ठीक हो सकता है। और वैसे रूटीन में 1-1.5 महीना चलता है पीलिया, अगर अच्छा खान पान का ध्यान रखा जाए। और मैंने तो इनको बताया कि अगर योग भी करेगा तो उसे बड़ी जल्दी ठीक होगा। अब मैं बताता हूँ कि क्या ना खाए, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ों से ध्यान रखना है, बचाव रखना है। एक तो खट्टी चीज़ नहीं देनी, खटास वाली चीज़ जैसे कच्चे फल हैं या इमली है, ऐसी चीज़ों से बचाव रखें, क्योंकि इससे पित्त ज़्यादा बढ़ता है। आयुर्वेद में तो बड़ी रिकमेंडेशन है कि अगर हम पित्त को बढ़ने नहीं देंगे तो पीलिया जल्दी ठीक हो जाएगा। तो खट्टे फल, कच्चे फल, खट्टी चीज़ें, इमली वगैरह ना दें। दूसरा मिर्च मसाले की चीज़, स्पाइसी भोजन ज़्यादा ना दें। स्पाइसी भोजन से पित्त बढ़ जाता है, तो उसे जैसे कोई भी बाजार की बनी चीज़ें हैं, बाजार की नमकीन है, नमक भी बहुत ज़्यादा ना दें। सिंधे नमक का उपयोग कर लें, कॉमन साल्ट का उपयोग ना करें। फिर तली चीज़ें ना दें, चिकनाहट ना दें, बल्कि दूध भी अगर मलाई हटा के देंगे तो अच्छा रहेगा। दही ना दें, छाछ दे सकते हैं। अदरवाइज हरी सब्जी, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, रोटी, ऐसा खाने को दे दें। कई लोग पूछते हैं कि पीले में क्या खाने को दें, थोड़ा सा मीठा अलग से दे सकते हैं, जैसे ग्लूकोंडी का पाउडर भी दे सकते हैं, वैसे अदरवाइज गन्ना चूस के भी ले सकता है बच्चा, या फिर बड़ी सफाई से गन्ने का जूस निकलवा लें, नहीं तो कई बार मक्खी बैठी होती हैं तो उसमें और इन्फेक्शन के भी चांस रहते हैं। तो गन्ने का जूस अपने बर्तन में निकलवा के गन्ने को धुलवा भी लें, उसी मशीन को भी धुलवा लें, फिर गन्ने का जूस निकाल के वो दे सकते हैं पीने के लिए। गुड़ के चावल बना के भी दे सकते हैं, थोड़े बहुत स्पंज रसगुल्ला भी थोड़ा सा बच्चे का टेस्ट चेंज करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से रोटी में थोड़ी मूली भर के, मूली को ग्रेट करके रोटी में भर के वो ऐसे मूली वाली रोटी दे सकते हैं। अगर भुने हुए चने चबा के ले सकता है तो वो भी दे सकते हैं बच्चे को, ऐसा खाना दे दें। अदरवाइज तो ब्लेंड खाना दें, बासी खाना ना दें। कोई बाजार के ब्रेड, बिस्कुट, रस वगैरह इस तरह की चीज़ें रूटीन में अवॉइड करें। रूटीन में घर का बना हुआ खाना दें, तरल पदार्थ अच्छी मात्रा में दे दें, हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखें। दूसरा, इतना छोटा बच्चा योग भी अच्छी तरह से कर सकता है, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ऐसे ये कर लें। अनुलोम कपालभाति से बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की मसाज होती है, हमारे गाल ब्लैडर की, हमारे लीवर की मसाज होती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अदरवाइज अगर देखें तो फिजिकल एक्टिविटी जितनी बॉडी के लिमिट में है इतनी सुबह शाम फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन ओवर एग्जर्शन ना करें। ओवर एग्जर्शन से दिक्कत होती है बच्चों को कि कोई ज़्यादा एग्जर्शन वाला गेम खेलना, तो उससे बचा रखें, सुबह शाम की वॉक करें। अब मैं बच्चे की मम्मी को बताता हूँ कि क्या वो चेंज करेंगी, जैसे मैंने बताया क्या क्या वो कर सकते हैं। मैं भी अपने बेटे को हरी सब्जियां, दाल, खिचड़ी, दलिया ये सब दूंगी, और ऑयली फ्राइड खाना, बाहर का खाना कुछ नहीं दूंगी, अवॉइड करूंगी सब कुछ। इसलिए आप भी ध्यान रखें जैसे कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो। थैंक यू। देखिए जितने लीवर के एंजाइम बढ़े हुए हैं, इनको रिकवरी के लिए अगर रूटीन में हम कोई केयर ना करें तो 1-1.5 महीना लग जाता है। अगर ऐसी केयर करेंगे, योग भी करवाएंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, तो 15-20 दिन में भी जॉन्डिस ठीक हो सकती है। अदरवाइज जॉन्डिस एक लंबी बीमारी है, तो इसको जब तक इसका कारण ना ठीक करेंगे तब तक इसमें बड़ा लंबा टाइम लग सकता है। तो कारण भी ठीक करें और दवाई भी लें।